ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मीन राशि वालों, अब भगवान शनिदेव ने लिख दिया है आपका नसीब। अब आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जुलाई 2022 के महीने में चार बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जय दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर अब जुलाई 2022 के महीने में बहुत अधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। जुलाई 2022 का महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही शुभ फलदायी महीना होने वाला है। जय दोस्तों, जुलाई 2022 के महीने में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको चार बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको जुलाई 2022 के महीने में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, वे चार बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं जो कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको जुलाई 2022 के महीने में मिलने वाली हैं, इस वीडियो में आपको उन्हीं चार खुशखबरियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें, कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए जुलाई 2022 के महीने का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए जुलाई 2022 के महीने का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जुलाई 2022 के महीने में सबसे अधिक बनी रहेगी। या दोस्तों, इस महीने में आपके ग्रह में जो परिवर्तन होने वाले हैं वे बेहद ही खास परिवर्तन होने वाले हैं। या दोस्तों, वे परिवर्तन आपके लिए बेहद ही लाभप्रद साबित होने वाले हैं। आपके ऊपर इस महीने भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप भगवान शनिदेव का नाम लेकर कोई भी कार्य का शुभारंभ करेंगे तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। या दोस्तों, आपको बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, नौकरी संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरियों का आपको प्राप्ति होने वाली है। या दोस्तों, नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति के भी योग हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में इस महीने बहुत अधिक तरक्की करेंगे, प्रगति हासिल करेंगे और अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जुलाई 2022 के महीने का समय अत्यंत लाभकारी समय रहने वाला है। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपको इस क्षेत्र में नई नई खुशखबरी मिलने के अनेकों योग हैं। साथ ही साथ भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके सभी दुखों का अंत करेगी। या दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना करें, सोच समझ कर आप फैसला करें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। या दोस्तों, आपको सोच समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके जीवन की सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का अब खात्मा होने वाला है, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट अब दूर करने वाले हैं। या दोस्तों, समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा। आपको यह भी बता दें कि यदि आप जितना गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर उतनी अधिक बनी रहेगी। आपको नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं। साथ ही साथ जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। मनचाही नौकरी के योग बन रहे हैं, रोजगार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अविवाहित जातकों के लिए विवाह से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के भी योग हैं। विवाह से संबंधित उनकी चर्चाएं घर पर शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति का सुख उनको प्राप्त होने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द है, वे कष्ट सभी दूर होने वाले हैं। रुके हुए कार्य आपके समय पर पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलने वाली है। या दोस्तों, आप अपने जीवन में अब नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। आपको कामयाबी हासिल करने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा
इस समय यानी कि जुलाई 2022 के महीने में रहने वाली हैं। भगवान शनिदेव आपके ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहेंगे। सच्चे मन से भगवान शनिदेव की आराधना करके शुरू किए गए कार्य आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। आपके जीवन की अधूरी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। आपको अपने माता पिता का भी सहयोग सबसे अधिक मिलेगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की जो भी रुकावटें हैं, संकटें हैं, कष्टें उनको दूर करेगा और आपकी सफलताओं के अब आप झंडे गाड़ने वाले हैं। या दोस्तों, शिक्षा, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए निश्चित तौर पर सफल रहने वाले हैं। आपको सफलता हासिल करने से अब कोई नहीं रोक सकता। समाज में होने वाले बड़े बदलाव आपके लिए बेहद ही आनंददायक रहने वाले हैं। आपके लिए भगवान शनिदेव की कृपा से जुलाई 2022 के महीने का यह जो समय है बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। आप इस समय महसूस करेंगे कि यह समय आपके लिए कितना लाभकारी है। जो भी कार्य हैं बनते चले जाएंगे। आपको चारों तरफ से अब खुशियां मिलने वाली हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक रहने वाली है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ आप इस महीने यानी कि जुलाई 2022 के महीने में नया वाहन या फिर मकान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके भी शुभ संयोग आपके लिए बन रहे हैं। समय को अपने हाथ से ना जाने दें, भरपूर समय का लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ किसी के बहकावे में आप ना आएं। साथ ही साथ वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। दुर्घटना संबंधित भी योग हैं, ध्यान से चलें, ध्यान पूर्वक चलाएं। या दोस्तों, वाहन बहुत ध्यान पूर्वक चलाएं। और आपको बता दें कि यदि आप गलत संगति का साथ छोड़ देते हैं, गलत संगति, मदिरा पान वाले दोस्तों का या जो भी गलत संगति है उसका साथ बिल्कुल छोड़ दें। आप देखेंगे कि ऐसा करना, गलत संगति का साथ छोड़ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। या दोस्तों, निराशा के बादल अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए जुलाई 2022 के महीने में अब दूर हो जाएंगे। निराशा के बादल जो हैं वे हट जाएंगे। अब आपको चारों तरफ से खुशियां मिलने वाली हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर इस महीने सबसे अधिक रहने वाली है। यदि आपका कोई कर्ज है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। जीवन साथी से आपको भरपूर प्यार मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे और आपके जो भी किसी कारण से प्रेम संबंधों में खटास है वे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप घर परिवार में झगड़ा ना करें, नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। झगड़े करने से भी आपको मालूम होगा कि घर में कब उस घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रखें, घर परिवार में झगड़ा ना करें और अपने काम पर नियंत्रण लगे रहें, कर्म करें, फल आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई 2022 के महीने में आपको अब इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो हमने आपको बताई है। ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। या दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आपके लिए विशेष उपाय जुलाई 2022 के महीने में क्या रहने वाले हैं, जिन्हें आप करते तो आपको भरपूर साथ मिलेगा, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो आप यह काम करें कि प्रत्येक शनिवार को आप कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी, सरसों के तेल से लगी हुई रोटी, मतलब दो रोटी बनाएं, सरसों का तेल लगाएं और हो सके तो उसमें थोड़े से काले तिल रखकर कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन के दुख दर्द, कष्ट, संकट दूर होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए सरसों के तेल का दान भी जरूर करें, मंदिर में कर दें, किसी जरूरतमंद को कर दें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप क्या करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक भी जरूर जलाएं शनिवार के दिन, और फिर ओम संश्रेष्ठाय नमः मंत्र का, भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, जहां पर सरसों का तेल चौमुखी दीपक जलाया है। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ण होती हैं। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।